मैंने तो बेटा तेरे को पर्स दे दिया था कि मेरे को कल को ये ना बोले ये बुढ़ी माई छोड़ना ही नहीं चाहती अपना हक, मैंने तेरे को पर्स दे दिया, उन तेरी खुशी तूने मेरे को दे दिया, तेरा थैंक्स। वाह मम्मी जी, आपने बड़े प्यार से दिया गया पर्स और अधिकार वापस ले लिए। इसे कहते हैं जिंदगी का अनुभव। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आंटी जी को अपनी बहुओं पर कहीं ना कहीं कम विश्वास है। वो जिम्मेदारी सरिता और शिखा की बनती है कि वो इतना विश्वास अपनी सास को उन पर हो, ऐसा कुछ अपनी तरफ से करे। सुदेश, एक मेन प्रॉब्लम बाकी है। एक रूल जो आपने तुरंत ही ब्रेक किया। कौन सा? हुक्का। मैं कहाँ पी रहा हूँ हुक्का? वो शाम को थोड़ा सा पीता हूँ। नहीं, जाने दीजिए। अच्छा, आपको मेरे हुक्के से प्रॉब्लम है या घर के अंदर धुएं से प्रॉब्लम है, इसका जवाब दीजिए। हुक्का आप सेट पर पियो, लोहा सिंह बने हो वहाँ, यहाँ नहीं। घर के सारे लोगों को तकलीफ होती है। मान लेना। आई ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट करता हूँ कि मेरे हुक्के से अगर किसी को तकलीफ नहीं होती, मैं बाहर जाके पीता हूँ, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है हुक्के से, मुझे बताइए। अगर आप देखो मुझसे हुक्का छीनोगे तो फिर मैं भी जो है खुराफाती करूंगा। हुक्का नहीं पीने दे रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर पियो। तो आपके सामने नहीं पी रहा, आपको धुआं नहीं आ रहा, तो क्या तकलीफ है? फैमिली में नहीं, हुक्का तो ये तीन दिन तो नहीं होगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। खाना नहीं खाया अभी तक? मैं बहुत ज्यादा जिद्दी आदमी हूँ क्योंकि मैं औरत की बड़ी इज्जत करता हूँ, तो मैंने अपरा की इज्जत रखी, मैंने रूल चेंज की और प्लेट उठा के रखी। मैंने बहुत मुश्किल से, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने बहुत तकलीफ से उठाई प्लेट, मैंने उठा के रखी मैंने प्लेट। ए लो तेरी प्लेट, मैं उठा के लाया हूँ, ले ले संभाल ले इसे। मैंने रूल चेंज किया, लेकिन मैं अभी हुक्का पीऊंगा। लोहा सिंह की बौखलाहट अब इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने अपरा जी के नियमों की धज्जियां उड़ाने की ठान ली है और इसकी शुरुआत वो आज हुक्के से कर रहे हैं। हुक्का? देखो मना किया है ना मैंने। भैया ने मंगवाया। भैया ने मंगवाया तो फिर रूल नहीं मालूम है तेरे को? तो हुक्का नहीं जाएगा। ठीक है, चल मैं लेकर चलती हूँ। कैसे लेकर जाने का? इसको पकड़ना, गर्म होता है, मैं लेकर चलती हूँ। नहीं, तू कैसे चलेगी? तू यहाँ रह, पालक उबाल, पालक उबाल ले, ये मैं लेकर चलती हूँ। अपरा जी हुक्का नहीं बल्कि लोहा सिंह की खबर लेने जा रही है। सुदेश वेरी नाइस पर्सन, मैं आपका हुक्का तोड़ नहीं रही हूँ। Apara is Apara. You cannot subtract anything from her. You cannot add anything to her. अगर उनको प्रॉब्लम मेरे एडजस्टमेंट या मेरे काम से है तो मैं काम करती थी, इसलिए he could walk off. मैंने शोल्डर टू शोल्डर दर्शन के हर एक प्रॉब्लम में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की है। मैं अगर घर पे बैठकर नहीं, मैं दो वक्त का खाना तो उनको टाइम पर देती हूँ ना, लेकिन सूरज को इस बात से तकलीफ है कि सरिता जी का जो वजूद इस घर में होना चाहिए वो ना तो उन्हें कभी अपने पति से मिला, ना ही अपनी सास से। I think मम्मी को जब मैं छोटा था तब वो बोलती थी कि मुझे अगर बेटी होती तो अच्छे से समझती, बट ये भी है कि मैं मम्मी को अच्छे से समझता हूँ। अगर उनको पर्स दी जाए तो वो अच्छी तरह से निभा सकती है। मैं चाहता हूँ कि ये पर्स दिया जाए। मैंने देखा है जब सब शादी पे गए हुए थे तब मम्मी ने कैसे जिम्मेदारी निभाई है, घर को सजाने की भी। जो बड़ी माँ बोलती है ना पैसे काउंट कर रही हूँ मैं, वो रात रात को दो दो बजे तक बैठ के काउंट कर रही थी, और उनकी कोई कंप्लेंट्स नहीं, वो नहीं बोलती कि मुझे नहीं करना, हम ये नहीं करना, सब करती है वो, अच्छे से करती है वो। सूरज ने जो मेरे साथ बातें की उससे मुझे ये पता चला कि वो अब भी चाहता है कि वो पर्स मम्मी के हाथ में आए। शोभा क्या कर रही है? हुक्का लेके जा रही। हुक्का? देखो मना किया है ना मैंने।
भैया ने मंगवाया तो तुम रूल नहीं मालूम है तेरे को? हुक्का नहीं जाएगा। ठीक है चल मैं लेकर चलती हूँ। कैसे लेकर जाने का उसको पकड़ लें? गर्म होता है मैं लेकर चलती हूँ। नहीं तू कैसे चलेगी? तू यहाँ रह, पालक उबाल, पालक उबाल रहे, ये मैं लेकर चलती हूँ। अपराजी हुक्का नहीं बल्कि लोहा सिंह की खबर लेने जा रही हैं। ये आपको मैंने, आप मेरा रूल पता है ना आपको? I'm a solution maker. I'm not decision. No, hookah is not on. Where on the terrace? मैंने बोला hookah is not on. अरे मैं अगर अभी बाहर जाके उधर जिम जाऊं या कहीं जाऊं वहां हुक्का पीऊं तो? अभी तो आप नहीं जा रहे हो ना? ये तो बाहर है, घर से ना भाई, ये घर का premises थोड़ी है। नहीं मैंने हुक्के के लिए मना किया है। अगर कोई मर्द मुझे रोकता तो मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब एक काम कर, ये तोड़ दे मेरे सामने, मैं दूसरा मंगा के पीता हूँ। अगर वो ईगो लॉक में आ जाता तो मैं, लेकिन मैंने अपरा की इज्जत रखी कि मेरे को एक पीने दे दो उसके बाद मैं खुद नहीं। खुद हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं अंदर से गुस्से में हूँ क्योंकि आपको किसी ने ऐसा सामना ऐसा नहीं किया, नहीं किया। किसी ने मैं कर रही हूँ। आप करो, आप करो, लेकिन क्या होगा अभी आप जाएंगी तो मैं हुक्का कहीं से मंगा के पी लूंगा। चल मैं चलती हूँ नीचे, हुक्का अकेला रखिए आपके पास। अपरा जी के बनाए हुए नियमों से सुदेश जी की जॉइंट फैमिली में खलबली मच चुकी है। अब देखना ये है कि सरिता जी के नियम क्या रंग लाते हैं। अरे ये क्या, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। खुशाली ने नियमों का पालन करने की शुरुआत सफाई अभियान के साथ की है और किचन में भी आज आप, चलो देर से ही सही मगर दुरुस्त नहीं। लेकिन अभी इस घर में कोई और भी आने वाला है, देखते हैं कौन है वो। कहां से आई? डांडा से। सिर्फ कुकिंग करती है सब घरों में जाके? मतलब सारा दिन रहती नहीं उधर? इधर तो हमको सारा दिन के लिए चाहिए। हाँ, कर सकती हूँ, चाहिए तो। मैं और कोई काम नहीं कर सकेगी फिर? हाँ, ऐसे आता है मुझे सबका। कौन है तेरे घर में? घर में पति है, सास है, देवर है। तो तू पति तेरे को मिलेगा नहीं, इतने दिन तो चलेगा? वो मेरा प्रॉब्लम है। हाँ? वो मेरा प्रॉब्लम है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको काम से मतलब है? आपको क्या करने का काम? हमको सारा काम करवाने का है। और ये इनके साथ थोड़ा, ये थोड़ा उम्र के है ना, कभी कभी अकेले भी रहते हैं तो इसके लिए। एज हो गई है और अकेलापन, वो सबके मन की परिस्थिति होती है। मैं दिमाग से और दिल से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैं ओल्ड हो गई हूँ और मुझे किसी लाचारी ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। वो आएगी लड़की तो मुझे उसको संभालना पड़ेगा। कितना पगार है उधर? उधर मैं 2 घंटे का 5,000 लेती हूँ। सिर्फ कुकिंग के लिए? कुकिंग के लिए। 2 घंटे का 5,000 कौन देता तेरे को? देने वाले देते हैं ना। फिर शाम को अगर 2 घंटा घर में ऐसे नहीं, एक ही टाइम बना लेती होगी दिन रात का खाना? ये बार बार जाने को मुझे बहुत लगता है। चल होएगा तो फोन करूंगी तेरे को। हाँ थैंक यू। वो मेड के लिए तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने मेड का आज एक इंटरव्यू भी लिया। मेंटली उन्हें पता है कि उन्हें मेड रखना ही नहीं है क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं कौन नहीं रह चुका था। सरिता जी को अब तक इस फैमिली ने अपने दिल में एक अलग जगह दे रखी थी। ध्यान रखिएगा सरिता जी, आपके द्वारा बनाए गए पूरे दिन टेलीफोन पर नहीं बात करने वाला नियम कहीं स्वाभिमानी नानी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचा दे। किसका आया था अभी? मेरी बहन का है, वो कोई गुजर गया उसका, तो मुझे बता के। मैं फोन ना अंदर रखती हूँ, फोन किसी का बजेगा तो आप उठाएंगी नहीं फिर। मेरी केयर करती बराबर है, ऐसा भी वो समझे कि मुझे जो अच्छा लगे वो करने दे, मुझे ऐसा करो ऐसा करो तो ऐसा हो तो मालूम नहीं क्या होगा। नानी और खुशाली ने पूरी ईमानदारी से इस घर में नए नियम का पालन करते हुए आज का दिन बिता दिया। अब देखते हैं अगला दिन इन दोनों परिवारों के लिए कैसा होता है। अपना भाभी तो सुबह किचन में नहीं आने वाली है, तो शिखा दीदी को और मुझे ही सब कुछ करना है।
सूरज मार्ग बजे नहीं उठे सूरज, मैं नहाने जा रही हूँ, उतना टाइम है तुम्हारे पास? दैट इज अराउंड 7-8-10 मिनट। सुना, उतना ग्रेस टाइम देती हूँ ओके, लेकिन उसके बाद तुम्हें उठ जाना पड़ेगा, ठीक है? मेरी भी बेटी है।